नमस्कार दोस्तों, अपना चैनल से मैं आनंद आपको दिखाना चाहता हूँ। गांव में देखिए कैसे जब गाय बच्चा देती है तो दूध को चढ़ाया जाता है मंदिर में। मैं अभी खड़ा हूँ अपने रोड के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में। ये देखिए दुर्गा जी के मंदिर है और ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है। और ये अभी देखिए पूजा चढ़ रही है, दूध को आग पर रखा गया है। जब ये दूध अपने आप उबाल लेके गिर जाएगा तो समझिए पूजा हो गई। ये ऐसा मानना है हमारे पूर्वजों का कि ऐसा दूध को चढ़ाने से गाय हमारी सुरक्षित रहती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कैसे पूजा चढ़ाई जाती है यहाँ पे गांव में, ऐसा लोगों का मानना है। इस मिट्टी के बर्तन में देखिए दूध रखा गया है। ये जब दूध उबाल लेके अपने आप ही गिर जाएगा तो ये समझिए पूजा आपकी पूरी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और ये है विशाल शर्मा जी, इन्हीं के गाय ने बच्चा दिया हुआ है, वो दूध लेकर आए हुए हैं यहीं पे। देखिए काफ़ी धुआं है, इसकी वजह से इनका चेहरा जो साफ तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हैं विशाल शर्मा जी। और इस तरीके से पूजा चढ़ाया जाता है हमारे गाँव में। पूर्वजों का मानना है कि ऐसा पूजा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और गाय भी सुरक्षित रहती है हमारी। और हम अभी अपने रोड के मंदिर में खड़े हैं, ये है दुर्गा माता का मंदिर। और ये अपने कार्य में लगे हुए हैं, देखिए धीरे धीरे हवा दे रहे हैं मिट्टी के बर्तन पे, ताकि आज जो है हिट जो है प्रॉपर तरीके से लगे मिट्टी के बर्तन को। देखिए अपना काम ये कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए दूध हमारा उबाल ले रहा है कैसे। और ये देखिए ये गिर चुका है, तो समझिए अब ये पूजा जो है हमारी पूरी हो चुकी है। अब ये विशाल शर्मा इसमें डालेंगे चावल और इसको बनाएंगे खीर। देखिए चावल को डाल लें, आराम से डालिए विशाल शर्मा जी, वरना आप जल जाएंगे। और आपने देखा दोस्तों अभी कैसे दूध ने उबाल लिया था, अभी उबाल लेके चढ़ चुका है हमारे भगवान को। और ये देखिए ये लाए थे घर से चावल, घर से अपना सारा सामान, ये सब आग जलाने का व्यवस्था सारा कुछ ये लेकर आए थे। और ये देखिए चावल धीरे धीरे अब ये डाल रहे हैं इसमें, और इसमें बनाएंगे अब ये खीर। बिना चीनी के ही ये खीर इतना स्वादिष्ट होता है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। देखिए इन्होंने जो सारा चावल इसके अंदर डाल दिया है, थोड़े देर के अंदर ही ये हमारा जो खीर है बन के रेडी हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे ज़रूर, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए विशाल शर्मा जी एक चीज़ घर से लाना भूल गए थे कलचुल, तो ये जो डंडे के सहारे से अभी ये खीर को चला रहे हैं। चलाने से होगा क्या कि जो चावल है हमारा अच्छी तरीके से बर्तन में चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं, और अच्छी तरीके से खोल जाएगा, उबाल आ जाएगा। बहुत ही मीठा खीर बनता है ये यहाँ पर। देखिए किस तरीके से चला रहे हैं हल्के हल्के हाथों से ये, जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे। देखिए ये विशाल शर्मा है, ये यहाँ पे अब अगरबत्ती जलाएंगे। और ये पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, जो इन्होंने बनाया था खीर वो अपने इस भगवान को चढ़ा चुके हैं और अपनी फैमिली के लिए और गाय के लिए पूजा कर रहे हैं ये देखिए। और इन्होंने अगरबत्ती जला लिया, अभी जला रहे हैं अभी ये देखिए। अब ये पूजा अपने शुरू करेंगे और भगवान से जो इनकी मनोकामना होगी वो मांगेंगे भगवान से। देखिए देखिए पूजा इनकी चल रही है, पूजा हो गई। अब ये जो हमारा जो ये प्रसाद है ये हम ले जाकर अपने फैमिली मेंबर में सबको बांटेंगे। तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो समाप्त होता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही आपके अपना चैनल में। थैंक यू।